ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पना गाह पर लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।